मुल्क की तरक्की में हाइल शख्स का नाम इमरान खान, ये सियासतदान नहीं दहशतगर्द है। फितना आज मजदूरों के नाम पर रैलियां निकाल रहा है। साजिशें बंद करें, मजदूर का खुद ब खुद भला हो जाएगा। कानून आइन और इंसाफ का तमाशा बना दिया गया, इतना नुकसान पहुंचाया गया कि मुल्क संभल नहीं रहा, तरक्की रुक गई, पाकिस्तान को मसाइल में उलझा दिया गया। नवाज शरीफ को चोर कहने वाले का अपना बेटा चोर निकला। पार्लियामेंट फैसला मनवा कर रहेगी, नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। मरियम नवाज का लेबर कन्वेंशन से खिताब। पीटीआई का लाहौर में पावर शो, इमरान खान की क़यादत में रैली लिबर्टी चौक से रवाना। रहनुमा और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। पार्टी परचमों की बहार, अंधेरा होने से पहले नासिर बाग पहुंचना है चेयरमैन पीटीआई। रावलपिंडी में तहरीके इंसाफ की रैली, इंतजामिया मुतहरिक। इस्लामाबाद जाने वाले रास्तों पर रुकावटें, मरी रोड फैजाबाद के मकाम पर कंटेनर्स लगाकर बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज़ जलसे जुलूस और इज्तिमा पर पाबंदी, अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। पुलिस के साथ एफसी भी तैनात, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, हुक्काम की वार्निंग। पेशावर में भी पीटीआई की रैली को इजाजत न दी गई, 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज, 5 या ज्यादा अफराद के एक साथ जमा होने पर पाबंदी। पाकिस्तान परेशानियों में घिरा है, कुछ लोग अजीब कैफियत पैदा करना चाहते हैं। पुलिस परवेज इलाही के घर गई तो बताया गया कि वो मेरे घर है, बख्तरबंद गाड़ी से घर का गेट तोड़ना काबिल मजम्मत है। चौधरी शुजात हुसैन। सहूलतकार इमरान खान को दोबारा इकतदार में लाना चाहते हैं, एक शख्स को आज तक बेनकाब नहीं होने दिया जा रहा। इमरान खान बार बार इकराम में इकरार जुर्म कर रहे हैं, प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले को एहतसाब करना पड़ेगा। ऑडियो लीक्स का नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा, नवाज शरीफ को साजिश के तहत इकतदार से हटाया गया, लोगों को सच बोलना पड़ेगा, अब रियासत और कुर्बानी की मुतहमल नहीं। कच्चे का ऑपरेशन कामयाब मगर जमान पाक और जहूर इलाही रोड पर नाकाम क्यों, जावेद लतीफ का सवाल। पीडीएम टूट फूट का शिकार, मुज़ाकरात बहाना है या इलेक्शन कराना है, फैसला 10 मई तक हो जाएगा। जो रोज ऑडियो वीडियो खेल रहे थे उनके अपने वज़ीर आज़म की ऑडियो भी लीक हो गई। अदलिया आइन और कानून हर सूरत में जीतेगा, इलेक्शन 10 दिन पहले हो या बाद में हर सूरत होंगे। शेख रशीद। पाकिस्तान पर करप्ट हुक्मरान, जागीरदार और माफियाज मसल्लत, 75 साल से मुल्क के गरीब आवाम का इस्तेहसाल जारी है। रोटी कपड़ा मकान और तब्दीली के नाम पर मजदूरों को धोखा दिया गया, मुल्क को लंगर खानों की नहीं कारखानों की जरूरत है। सिराजुल हक का रैली से खिताब। अपने हुकूक के लिए जान कुर्बान करने वाले मजदूरों को खिराज अकीदत, दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन, गूगल का डूडल तब्दील, मुल्क भर में आम तातील, यौम मई की मुनासबत से रैलियों और सेमिनार्स का इनेकाद। यौम मई पर मजदूरों को खिराज तहसीन, माशी खुशहाली में हिस्सा डालने के बावजूद मेहनत कशों को मुतादिद मसाइल का सामना, हुकूमत फलाह बहबूद के लिए इकदामात, हुनर फराहम करने की कोशिशें जारी रखे। सादर का पैगाम, मुल्क की तरक्की में मेहनत कशों के अहम किरदार से इनकार मुमकिन नहीं, मजदूरों के मसाइल के बर वक्त हल, रिलीफ के लिए खुदकार और मजबूत निज़ाम तैयार कर रहे हैं। समाजी और माशी बहबूद को यकीनी बनाने के लिए भी पुरअज़म है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। शहबाज, हुकूमत की तमाम पॉलिसियां मजदूर दुश्मन, बदतरीन दौर में मेहनत कश तबका पिस कर रह गया। इमरान खान ने मजदूरों को सहूलत फराहम करने के लिए बड़े शहरों में पनागाहें और लंगर खाने खोले, सेहत कार्ड का तोहफा दिया, बेहिस हुक्मरानों ने ये सहूलियात भी छीन ली। यास्मीन राशिद की तनकीद।
मुजफ्फराबाद में सयाहों की जीप दयाए नीलम में जा गिरी। एक शख्स चाबहाक 5 को निकाल लिया गया। दीगर 8 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जीप में 12 सयाहों समेत 14 अफराद सवार थे। जख्मी और लापता सयाहों का ताल्लुक लाहौर से है। और मुल्क में बादलों के डेरे, लाहौर में रिमझिम मौसम दिलफरेब, इस्लामाबाद में बारिश और जालाबारी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश, बरसाती नालों में तुगयानी आ गई। कराची में शाम और रात को बारिश की पेशगोई।